नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सच्चाई की जीत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सोनू के मम्मी पापा और उनकी टीचर से, पर हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आज आया है जो है सोनू के एक दोस्त का, जो उसी की क्लास में पढ़ता है, और उसने हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है जिससे शायद हमें ये पता चल सकता है कि उसके शांत होने की, उसके चुप होने की वजह क्या है। तो चलिए चलकर देखते हैं वो वीडियो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं सोनू का दोस्त हूँ। मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ। मैंने स्कूल में देखा कि सोनू चुपचाप बैठा था, ना किसी से बात की, ना उसने लंच खाई। मैंने छुट्टी होने से पहले सोनू से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो सोनू ने बताया कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा कहीं बाहर से उठा के लाए हैं। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। तो देखा आप सबने, सोनू के शांत होने की, चुप होने की, यहाँ तक कि सब कुछ छोड़ देने की वजह हमको मालूम हो चुकी है। वजह है कि उसके दिमाग में एक बात है, वो ये है कि उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उसको कहीं बाहर से उठा कर लेकर आए। यानी कि उसको लगता है कि वो अपने माँ बाप का बच्चा नहीं है। ये बहुत एक बड़ी बात है जो एक छोटे से बच्चे के दिमाग में घुस गई है। इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है, मगर हम सच्चाई की जीत में ये कोशिश करेंगे कि सोनू को सच्चाई बता पाएं और उसको ठीक कर पाएं। तो शुरू करते हैं हमारी सोनू की कहानी।